तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड की बुक से। क्लास थर्ड की बुक्स का जो निचोड़ है वो इस प्रकार से है, चैप्टर फाइव से ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं कि चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। अब सीटेट में क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, एक ऐसा जानवर है जो देखने की क्षमता कम रखता है परंतु सूंघने छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत अधिक रखता है, तो वो कौन है? चूहा, बिल्ली, खटमल, दुनियादारी के ऑप्शन मिलेंगे तो चूहे को आप ऑप्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग हू फेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। अब पूछ लेगा क्वेश्चन कि हांगकांग का ऐसा पकवान जो सांप के मांस से बनाया जाता है, लिंग हू फेन, फेन हू लिंग, इस प्रकार से विकल्प मिलेंगे। नेक्स्ट है फैक्ट, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। फिर है टैपिकोवा केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। फिर है मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो आप मैना लिखेंगे। फिर है उल्लू अपनी गर्दन पीठ तक घुमा सकता है, एक ऐसा पक्षी है उल्लू जो अपनी गर्दन को पीछे पीठ तक घुमा सकता है, पीछे तक पूरा यानी कि 360 पर रोटेट कर देगा। फिर है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, यह भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। अंधे लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो ब्रेल लिपि के माध्यम से करते हैं, अक्सर सीटेट में ये क्वेश्चन बनता है। फिर है ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। देखिए लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था, उसने ब्रेल लिपि की खोज की थी, ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन बनता है कि लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे, ब्रेल लिपि की खोजकर्ता कौन थे, या ब्रेल लिपि ने कितने बिंदुओं को शामिल किया जाता है, कितने बिंदुओं पर आधारित है, तीन तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट फैक्ट है चैप्टर 18 से, असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। पिछली बार ये सीटेट में क्वेश्चन आया था, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बांस की बल्लियों पर जो है घर को बनाया जाता है 10 फुट ऊंचे ऊंचे, तो बांस के खंभों पर कहाँ पर घर बनते हैं, तो असम में। फिर है मनाली में बहुत बारिश होती है, यह एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो ये कुल फैक्ट हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि राजस्थान में, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। फिर नेक्स्ट फैक्ट है कि राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, इनमें दीवार मोटी होती है, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। फिर है घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। फिर नेक्स्ट फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। पूछ लेगा कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं या चाय को कहवा कहाँ पर बोलते हैं, तो आपको चार विकल्प बनेंगे, सिंपल से क्वेश्चन ईवीएस में बनते हैं। फिर है इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। तो देखिए जो थर्ड क्वेश्चन का है निचोड़ वो इतना ही है, एनसीईआरटी अगर आप पूरी खंगालेंगे तो बस इतना ही फैक्ट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट में देखते हैं, वल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं, यह केरल में चलती है। अब पूछ लेगा वल्लम एक लकड़ी से बनी हुई नाव कहाँ पर चलती है, तो केरल में चलती है। फिर राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। फिर पूछ लेगा कि राजस्थान में रेगिस्तानी बच्चे कौन सी गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं, तो ऊंट गाड़ी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है कि 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा, एक अचरज जैसी चीज़ कि 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाने वाला जानवर कौन सा है, तो ये है हाथी। फिर है हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको याद रखिएगा। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। फिर
नेक्स्ट है, हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। फिर है 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। फिर है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं, एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हथिनी झुंड की नेता होती है, झुंड में 14 से 15 साल के बच्चे व हथिनियाँ ही होते हैं। फिर है, हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। चैप्टर 4 के क्वेश्चंस को देखें तो खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खेजडली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। फिर है नेक्स्ट फैक्ट, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। खेजड़ी के पेड़, थोड़ी सी असुविधा के लिए माफ़ी चाहेंगे, खेजड़ी का पेड़ यह एक रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। फिर है, खेजड़ी के पेड़ की फलियां की सब्जी बनाई जाती है, जो फलियां होती हैं। फिर है, इसकी पत्तियों को वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते भी हैं, खेजड़ी के पेड़। फिर है नेक्स्ट 5th चैप्टर की, बोचाहा गांव बिहार में मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये फरवरी माह में खिलते हैं। एक कहानी टाइप बनाता है सीटेट कि मधुमक्खियों को लुभाते हैं, फरवरी में खिलते हैं, वो कौन से फूल हैं, तो लीची के फूल हैं। फिर अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय है। फिर मधुमक्खियां एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाना बच्चों को पालना भी होता है। ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद बने। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और फैक्ट हैं, उन पर नज़र दौड़ाते हैं। फिर है, शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। फिर है, सभी चींटियों का काम भी बढ़ जाता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं और सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर चींटियां बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। फिर है, दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं। फिर है, गांधीधाम अहमदाबाद में और वलसाड गुजरात में है और कोझिकोड केरल में है। फिर है, मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। फिर है, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। फिर है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलिम्मा और नानी को अमुम्मा कहते हैं। अमुम्मा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का है, लेकिन याद करिए क्या मतलब है, क्वेश्चन में टिक करिए, आगे बढ़िए। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, वलियम्मा, क्वेश्चन आ जाएगा, नानी को अम्मूमा। फिर है, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। तो देखिए कुल मिलाकर, अब वीडियो सेशन लंबा जाएगा, 10 मिनट से ज़्यादा होगा तो आपको इरिटेशन होगी। कुल मिलाकर 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड के जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, एक निचोड़ कह लें, उसको यहाँ पर परोसा गया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और इसके बाद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।